नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल हमारे YouTube चैनल ड्रैगो स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए और घंटी आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में दो बड़ी खुशखबरियां हैं। जी हां दोस्तों, दो बड़ी खुशखबरियां हैं HSSC की ओर से, जो ये खुशखबरियाँ आपको दी गई हैं। तो देखिए, जो हरियाणा में जो भर्ती आई थी 2018 में, 18,000 प्लस वैकेंसी जिसमें थी, तो उसमें आपको पता है कि जो रिजल्ट की लिस्ट आई तो उसमें साथ में वेटिंग लिस्ट भी जारी हुई थी, जिसमें कि 4,000 प्लस कैंडिडेट्स को जो वेटिंग में रखा गया था, लेकिन अभी तक उस वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया नहीं गया है। और साथ में ही जो स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट थे, उनको जो है रिजेक्शन का खतरा उन पर था, वो भी उनके लिए भी एक खुशखबरी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने कि स्पोर्ट्स कोटा से उन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था और उनका रिजल्ट भी जो है आया था, तो अब देखिए उसके लिए खुशखबरी क्या है। पहला नोटिस मैं आपको दिखाऊँ वेटिंग लिस्ट से संबंधित। देखिए, यहाँ पर नोटिस में बताया गया है, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ही जो है कि फॉर्म भरवाए गए थे। अगर आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहें ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए, तो आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे और आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, ऐसा था। तो अब उनका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा हो नहीं पाया है। अभी तक भी जो ज्वाइनिंग होनी बाकी है उनकी, जो कि चेंज इनका होना है। तो अब देखिए उसके लिए यहाँ पर बताया है कि 18 जनवरी 2020 को जो है जो वेटिंग लिस्ट थी वो खत्म हो जाने वाली है, यानी कि उनकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी 18 जनवरी 2020 को। लेकिन वो प्रोसेस अभी तक चल रहा है, जिसमें कि जो डिपार्टमेंट है वो चेंज करने का था। इस वजह से जो है अब बताया गया है कि 18/4/2020, यानी कि अप्रैल 18 अप्रैल 2020 तक जो है वैलिडिटी बढ़ा दी गई है 3 महीने की, और वेटिंग लिस्ट को। तो यानी कि अब सरकार की मंशा जरूर है कि आपकी वेटिंग लिस्ट लगा दी जाए। अभी कुछ टाइम तक जो है प्रोसेस चलता रहेगा, जिसमें कि जो डिपार्टमेंट चेंजिंग हुई है उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए, उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट भी जो है लगा दी जाए, क्योंकि उसके बाद ही पता लग पाएगा अच्छी तरह से कि किसने ज्वाइनिंग की, किसने नहीं की, कितनी वैकेंसी जो है बाकी रह गई हैं, ताकि ये वेटिंग लिस्ट वालों को उनकी जगह पे लगा दिया जाए। तो एक तो ये थी सबसे बड़ी खुशखबरी। इसके बाद बताते हैं जो स्पोर्ट्स कोटा वाले कैंडिडेट हैं उनकी बात करते हैं। तो इसके बाद देखिए, जो HSSC ग्रुप डी में जिन्होंने कि स्पोर्ट्स कोटा से जो है ज्वाइनिंग की थी, तो उनके लिए यहाँ पर एक आफत खड़ी हो गई थी कि उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। उनको जो है टर्मिनेट करने का जो है यहाँ पर बता दिया गया था कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उनकी सैलरी भी जो है रोक दी गई थी। लेकिन अब जो कोर्ट का फैसला आया था, तो उससे संबंधित एक नोटिस जारी हुआ है। देखिए यहाँ पर कि कोर्ट का फैसला आने के बाद अब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर दो में बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं अब वो जो है HSSC बोर्ड को जो है, जो कि देखिए यहाँ पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो बताया गया है, इसको जो यहाँ पर जो है क्यूरी वो उसके लिए भेज रहे हैं कि क्या इनकी सैलरी जो दी जाए या नहीं दी जाए, इनको टर्मिनेट किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसमें अब बताया गया, क्लैरिफाई जो है कर दिया गया, देखिए पॉइंट नंबर तीन में, कि इनकी ना तो सैलरी रोकी जाए, क्योंकि इस गवर्नमेंट को जो है अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ना तो इनकी सैलरी रोकी जाए ना ही इनको टर्मिनेट किया जाए। तो इनकी जो सैलरी रुकी हुई थी उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द सैलरी ऑफ सच कैंडिडेट्स मे ऑल्सो बी रिलीज इन केस इफ़ इट हैज़ बिन विद हेल्ड आफ्टर 31/10/2019, यानी कि 31/10/2019 के बाद अगर इनकी सैलरी रोक दी गई थी तो वो भी आपको इनको देनी पड़ेगी। यानी कि इनके लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि ना ही अब ये टर्मिनेट होंगे, ना ही इनकी जॉब जाएगी और ना ही इनकी सैलरी रुकेगी। अब इनकी पिछली रुकी हुई सैलरी भी आपको मिल जाएगी अगर आपकी रुकी हुई थी तो। तो ये बड़ा एक यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला जो है हाईकोर्ट की ओर से आपके फेवर में आया है, जो कि स्पोर्ट्स कोटा से ज्वाइनिंग किए हुए थे और उनको जो है नौकरियाँ खतरा उन पर बनाया था। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।